देखिए बिल्कुल अप्रोच यही है इशू सारा का सारा ये है कि निफ्टी पर जो रेजिस्टेंस है जो आज हमारा दो रेजिस्टेंस लेवल थे 19819 और 19847 और आज का हाई 19841 तो वो 19847 जो ऑप्शंस बेस था 19800 के कॉल के हिसाब से उसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है और ये प्रॉफिट टेकिंग जोन है ये अगेन बात सारी ये है कि 19800 से 19850 के जोन में आप बाय नहीं कर सकते हैं बाय करने के लिए आपको थोड़ी रिएक्शन की जरूरत है रिएक्शन आई मुझे आज सुबह ऐसा लग रहा था कि मार्केट आपको फिर वो फैंसी एंट्री देने की तैयारी कर रहा था उन्नीस छह सौ पचास पर अगर हम आ जाते तो वो हमारा एंट्री का जोन था उन्नीस छह सौ से उन्नीस छह सौ पचास एक समय के लिए लग रहा था कि वो एंट्री जोन मिलेगा नहीं मिला मार्केट वहां से फिर घूम गया लेकिन यहां पर फिर एंट्री नहीं है यहां पर फिर प्रॉफिट टेकिंग है मेरे ख्याल से और रिलायंस में थ्री पीएम पर एक शार्प मूव आएगा किसी भी डायरेक्शन में आएगा वो लेकिन आने के चांसेस है वहां पर तो आज थोड़ा सा एक लॉटरी टिकट भी है लास्ट के तीन बजे मिड कैप की भी एक्सपायरी है तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा दूर रहें कल एक फ्रेश कॉल लें मार्केट पर बैंक निफ्टी की जहां तक बात है लेकिन बैंक निफ्टी ने आज एक जो चीज़ बहुत अच्छी की बैंक निफ्टी ने कि बैंक निफ्टी ने कल का लो बचाया और बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी आपको करके दी 45400 433 से और आ, बैंक निफ्टी में देखिए हमारा जो एंट्री जोन था वो फोटी फाइव टू फोर्टी फाइव था उससे बस थोड़ा ऊपर से घूम गए हम फोर्टी फोर से घूम गए लेकिन ठीक है मतलब हायर लेवल पर रेजिस्टेंस फोर्टी फाइव नाइन हंड्रेड फोर्टी सिक्स थाउजेंड पर है लेकिन जो पीएसयू बैंकों में स्टेबिलिटी आई मेरे ख्याल से वो एक आ, अच्छा मसला था उसकी वजह से शायद एक आज अच्छी रिकवरी